हेलो। हाँ मॉम, पहुंच गई ठीक से। रमन और आदि आए थे मुझे लेने। अच्छी बात है, मेरी बात ध्यान रखना शकुन। मुझे तेरी और तेरे भाई दोनों की चिंता रहती है। मॉम आप मीर की चिंता मत करिए, रमन ने उसे प्रमोशन दिया है। अच्छा, पर उसने मुझे बताया नहीं। बल्कि वो तो मुझे ये कह रहा था कि वो सिंगापुर शिफ्ट हो रहा है। सिंगापुर? पर रमन ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। शायद वो चाहता होगा कि उस शहर से दूर चला जाएगा, उन सब लोगों से दूर, तो अपने गम को भुला पाएगा। लेकिन मैं मेहर को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अपनों से दूर कभी नहीं रह सकता। आप चिंता मत करिए। टेक केयर, बाय। रमन मेहर को प्रमोशन दे रहा है, फिर मेहर सिंगापुर क्यों जाना चाहता है? इशिता जल्दी करो यार, सब्जी लेने जा रहे हैं, फैशन शो में नहीं जा रहे हैं। वो क्या बस कितना चिल्लाते हो, कितना चलो। तो कितना टाइम लगता है तुम? ओए ओए क्या बात है, बड़े टशन में जा रही हो सब्जी लेने? पंजाबी स्टाइल है। सब्जी वाले को इंप्रेस करना है क्या? नहीं, आइसक्रीम वाले को इंप्रेस करना है। आते समय आप आइसक्रीम खिलाओगे ना मुझे? तुम्हारे दिमाग का स्क्रू कहीं गिर गया, इतनी ठंड में आइसक्रीम खाओगी? हाँ तो आपने सुना नहीं है लोहा लोहे को काटता है? आपने सुना नहीं है मद्रास डेंटिस्ट में दिमाग नहीं होता है? चलो अब। रमन, I'm so sorry, मैंने इस तरफ पीछे से टोका, पर मीर क्या हुआ, वो शहर छोड़कर क्यों जा रहा है? सिंगापुर में क्या करेगा वो? तुम उसे प्रमोशन दे रहे हो? हैंग ऑन, सांस ले लो, हुआ क्या है? मीर तुम उसे प्रमोशन दे रहे हो ना, फिर उसे सिंगापुर क्यों भेज रहे हो? अरे मेरा दिमाग खराब है क्या? Why would I send him Singapore? तुम्हें हो क्या गया? किसने? मीर खुद जाना चाहता है सिंगापुर, अब प्रमोशन के लिए या बिना प्रमोशन के, दैट आई डोंट नो, लेकिन ही रियली वांट्स टू गो। वन सेकंड, तुम मुझे कह रही हो कि मीर को सिंगापुर जाना है और ये बात तुम पहले से जानती थी? हाँ, क्योंकि वो यहाँ आया था, उसे मेरी एडवाइस चाहिए थी। रमन वो मीका की यादों से दूर जाना चाहता है, वो जहाँ देखता उसे मीका नजर आती है। But even I felt कि हाँ, क्यों नहीं? ये अच्छा डिसीजन होगा। अच्छा, और उस डफर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं उसे दिल्ली में प्रमोशन दे रहा हूँ? नहीं। इडियट, जानती हो क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो जानता है कि अगर इसी बेहुदा सिंगापुर जाने की बात मुझसे करेगा ना, उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। करेगा क्या वहां जाके? वो अकेला रहेगा, सड़ेगा। मैंने तय कर लिया है, मीर कहीं नहीं जा रहा है, उसे मैं प्रमोशन दे रहा हूं, वो यहीं रहकर काम करेगा। काम की बात कर रहे हो आप, उसे काम का क्यों सोच रहे हो? मैं तो उसके दिल का सोच रही हूं फिलहाल। आपने उसे देखा है रमन? रमन वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। अगर वो प्रमोशन को लेकर खुश होता रमन, तो वो एक बार तो मुझे बताता, उसने मुझे कुछ नहीं बोला इस बारे में। रमन से एक मौका मिल रहा है यहाँ से दूर जाने का, जिंदगी की नई शुरुआत करने का, आप उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? यू शुड रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। अरे चुप करो यार, मुझसे अच्छी तरह जानती हो तुम उसको, बचपन से जानता हूँ उसको, नहीं रह सकता अकेला वो। आप एक बार तो उसका नजर दिया। उसका नजरिया तुम्हारा नजरिया, ये सब क्या बकवास करने जा रही हो तुम? दिल टूटता है तो दर्द होता है, मैं भी जानता हूँ। सिंगापुर जाएगा मीर, मैं डिसाइड करूंगा मीर कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, और मैंने तय कर लिया मीर यहीं रहेगा और यहीं काम करेगा। दूसरों की इच्छाओं पे अपने हुकुम का बुलडोजर चलाने वाले आप कौन होते हो? उसे जाना है जहाँ वो वहाँ जाएगा। नहीं जाएगा वो। क्यों नहीं? क्यों जाएगा वो? मीर क्यों भागेगा? उसके सारे अपने यहाँ है, उसकी फैमिली यहाँ है, हम सब यहाँ है। गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी बहन की, गलती मीका की है। भैया इसे भगाने वाली मीर भगोड़ा नहीं है, नहीं भागेगा वो। आप भी तो भाग गए थे ना रमन। रूही को छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ के सिर्फ इसलिए गए थे आप क्योंकि आपको दिल्ली से दूर जाना था, कुछ यादों से दूर जाना था, नहीं गए थे आप? भागा था मैं, भागा था क्योंकि दिल टूटा था मेरा, मुझे धोखा दिया गया था। शगुन किसी और के साथ थी और वो बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं भागकर मुंबई तो चला गया, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हुआ, तड़पता रहा। दर्द मेरा तब कम हुआ जब तुम मेरी लाइफ में आई, तुमने मुझे मेरे दर्द का सामना करने की हिम्मत दी। यू सेव मी। और मुंबई जाना सिर्फ मेरा वही मकसद नहीं था, मकसद कुछ और था, मकसद था अपने करियर को संभालना, अशोक के चुंगल से बाहर निकलना। और मीर की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, थैंक गॉड। और जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, मीर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। लेकिन हर चीज करियर और पैसा नहीं होती है, वो कम से कम वहाँ जाएगा, नए लोगों से मिलेगा, उसके लिए जरूरी है ये। कम से कम यहाँ हर पार्टी में, हर सोशल गैदरिंग में वो मीका और अशोक से तो नहीं टकराए? मैं चाहता हूँ टकराए, बार बार टकराए।
और जितनी बार टकराए ना उस अशोक को एहसास हो कि मिहिर उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। मिहिर को मैं उस ऊंचाई पे पहुंचाऊंगा जहां पे अशोक जैसा कमीना उसको छू तक ना सके। ये आपकी चाहत है। मेरी चाहत है, मेरी चाहत पूरी होकर रहेगी। क्या करेगा मिहिर सिंह पहुंचा के? अब किसको मिलेगा, किसके साथ आएगा? वो एक कोने में घुट घुट के मर जाएगा वहां पर। वो मेरा डिसीजन फाइनल है और मुझसे बहस मत करना। तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे हो? It's just a matter of discussion. हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं शकुन, लड़ नहीं रहे। नहीं शीता, रमन को चिल्लाने की आदत है। Why don't you just mind your own damn business? अगर रूही और आदि देख लेंगे तो उन्हें लगेगा कि तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। शकुन, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ डिस्कशंस कर रहे हैं जो कि नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है, तो प्लीज आप मत बोलो बीच में। वैसे तुम्हारी आदत कब जाएगी? Why do you have to butt into everything? हम बात कर रहे हैं ना? फाइन, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। देखने दो आदि कि उसके पापा कैसे चिल्लाते हैं। आदि घर पर है। How dumb can you get कि तुम आदि घर पे है और फिर भी मुझसे बहस कर रही हो? क्या चाहती हो कि आदि फिर देखे कि हम झगड़ रहे हैं? उसके पापा कैसे हैं, चिल्लाते हैं? आदि को इतनी मुश्किल से इस घर में लाए हैं, संभाला है, मुश्किल से घुल मिल रहा है। What is your problem? ऑफिस का मामला है ना, मैं संभाल लूंगा। मैं किसको प्रमोट करूं, किसको सिंगापुर भेजूं, नहीं भेजूं, that's my बड़ी problem, not yours. आदि घर पे नहीं है रमन, नीचे गया है पापा जी के साथ। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि बच्चों के सामने आपसे लड़ाई करूं इस तरह से। और एक्चुअली मुझे आपसे लड़ाई करनी ही नहीं है और ना मुझे आपके साथ कहीं बाहर जाना है। जाइए अकेले शॉपिंग पे। चलता हूं, जाओ। जा ही रही हूं। हर बार तुम सही नहीं हो सकती। इस बार मैं सही हूं। अगर हो भी तो मिहिर कहीं नहीं जाएगा। चिल्ला चिल्ला के बातें सही नहीं होती। I don't want to argue with you, just go. खराब कर रखा सबने। हद होती है हर बात की, बस गुस्सा कर करके अपनी बातें मनवानी है लोगों को। सोचते कि चिल्लाएंगे तो हर कोई उनकी बात मान जाएगा। तरीका ये भी समझ में नहीं आता इनका। मुझे really irritated of this girl. शील की इच्छा है कि वो कहां जाना चाहता है, कहां नहीं जाना चाहता है, वो खूब कैसे सकते हैं हर चीज। इशिता, मैं आए? I'm so sorry. मेरी वजह से तुम्हारा रमन का झगड़ा हो गया। मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। वो मॉम ने मुझे बताया मिहिर के बारे में, तो आई जस्ट गॉट वरीड। मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं चाहती कि वो हमें छोड़कर जाए, इसलिए एक हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं अभी। अब तुम अपसेट हो कि रमन वो ना जब गुस्सा हो जाता है तो उसका चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है। ही जस्ट डजंट केयर कौन उसके सामने है, क्या है, उसे बस यही प्रूव करना है कि ही इज राइट। मेरे साथ वो बिल्कुल वैसा ही करता था। के बच्चे बैठे कभी सोचना तो चाहिए, बट नो, he doesn't care. रोब जमाना है कि मैं सही हूँ, I'm the man, I know everything. He can just be so difficult. शगुन, मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। जिसके साथ तुम रहती थी वो कोई और इंसान था, पर ये रमन भल्ला जो मेरे साथ रहते हैं पिछले एक साल से, ये कोई और है। हर इंसान बदलता है वक्त के साथ, रमन भी बदल गए। देखो, let me tell you straight, हम दोनों झगड़ा नहीं करते। हाँ, कहीं कहीं हमारी सोच डिफर करती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर कपल में होता है और मेरे पति की आदतें मुझे अच्छी तरह से पता है, और उन आदतों की अब मुझे आदत हो गई है शकुन। आई एम वेरी हैप्पी विद माई हस्बैंड। मैं तो बस टिप दे रही थी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है रमन के साथ। मैं उसे इतने सालों से जानती हूँ, शादी के पहले एक साल, फिर शादी के 6 साल एंड उसके बाद इतने साल। मैंने सिर्फ सोचा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करूँ। तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। आई जस्ट थैंक यू।